स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने श्री कृष्ण पर एक नहीं बल्कि 12 घातक वाण चलाए थे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब महाबली कर्ण का रथ का पहिया भूमि पर धसा था, उस वक्त अर्जुन ने महाबली कर्ण का वध किया था। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार ऐसा भी हुआ था, अर्जुन का रथ का पहिया भूमि पर धसा था और इस अवसर का लाभ उठाकर महाबली कर्ण ने अर्जुन का वध करने की चेष्टा की थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने दो विकल्प दिया था। पहले विकल्प में अपने संपूर्ण नारायणी सेना को दिया था और दूसरे विकल्प में खुद को रखा था कि वो निहत्थे युद्ध लड़ेंगे और उनमें से दुर्योधन विश्व विजयी नारायणी सेना को चुनता है और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। लेकिन अब सवाल ये आता है, श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो आखिर किसने और क्यों श्री कृष्ण पर एक नहीं बल्कि 12 घातक वाणों का प्रयोग किया? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब अर्जुन और महाबली कर्ण आमने सामने थे। एक तरफ महाबली कर्ण जो अर्जुन का प्राण लेना चाहते थे चाहे कोई भी मूल्य पर, और दूसरी तरफ महाबली अर्जुन महाबली कर्ण का वध करना चाहते थे। कहा जाता है कि महाबली कर्ण और महाबली अर्जुन एक दूसरे के बचपन से ही शत्रु थे। उन दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती ही आ रही थी और युद्ध के 17वें दिन महाबली कर्ण ने अपना सबसे घातक अस्त्र का प्रयोग करने का सोचा, जिसका नाम था नाग अस्त्र, जो वास्तव में वान के रूप में नाग लोक का एक नाग था जो अर्जुन का दुश्मन था। और फिर महाबली अर्जुन पर महाबली कर्ण उस नाग अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अर्जुन को कुछ समझ आए इससे पहले श्री कृष्ण समझ जाते हैं, ये अस्त्र कोई अस्त्र नहीं, ये बहुत ही घातक नाग है। इसके बाद उससे बचाने के लिए श्री कृष्ण रथ का एक पहिया को धरती में धसा देते हैं और अर्जुन बच जाते हैं। महाबली कर्ण का निशाना चूक जाता है और अर्जुन बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जो रथ का पहिया धरती पर धसा दिया था उसको निकालने के लिए श्री कृष्ण रथ से उतर कर नीचे जाते हैं। उस वक्त अवसर पाकर महाबली कर्ण महाबली अर्जुन पर वान चलाना शुरू करते हैं। उस वक्त बीच में आकर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का ढाल बनकर वो 12 बाण अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह महाभारत युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्राण बचाया था और महाबली कर्ण ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे। श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।